नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन पोर्टल पे जब आप लॉगिन करते हो तो आपको आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है, और जैसे कि स्टूडेंट पोर्टल पे भी लॉगिन करना होता है तो आपको एचपीयू की आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है। तो अब आपको यहाँ पे समस्या आ रही है कि आपके पास आईडी नहीं है, पासवर्ड नहीं है, तो लॉगिन कैसे करें। तो देखिए, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे गूगल पे हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एचपीयू स्टूडेंट पोर्टल। तो देखिए, स्टूडेंट पोर्टल लिखते ही मैंने सर्च कर लिया है और आपको नीचे आ जाना है। इन दोनों वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप पहले चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो आपके पास ये जो नए वाला है, पहले मैं आपको ओल्ड स्टूडेंट पोर्टल पर दिखा देता हूँ, क्योंकि जिनका पुराने स्टूडेंट है उनका इस पर ही आएगा। देखिए, यहाँ पे आपके लिए फॉरगेट पासवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना ही डालना होता है। और नीचे लिखा गया है, नोट इन केस ऑफ फॉरगेट पासवर्ड कैन नॉट कॉन्टैक्ट योर कॉलेज। तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप वहाँ से भी रिकवर कर सकते हो। ये तो रही कॉलेज की बात, कॉलेज में आपके आईडी पासवर्ड वहाँ पे होते हैं, कॉलेज से आप ले सकते हो। नंबर दो बात करते हैं। अब देखिए, जो नया स्टूडेंट पोर्टल है, नई वेबसाइट बन गई है इनकी, एन एग्ज़ाम करके है, एन आर एम ई है, सब कुछ नया नया है। तो देखिए, अब हमारे को यहाँ पे एक दूसरे लिंक पे ले जाया जा रहा है। तो देखिए, इस तरह का ये जो पेज है इनका, ये दिखाई देता है, ये नया स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन है। तो देखिए, आपको आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, तो यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी और पासवर्ड ये मांग रहा है, कईयों के पास सेव होता है, तो आप वहाँ से भी रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग में जाएंगे आप, और यहाँ पे आपको पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर जाके आप जो भी इसमें अगर आपने सेव किया होता है पासवर्ड, तो आपको इसमें सभी पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपके पासवर्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट पोर्टल सर्च कर लेना है सर्च बार में, तो आपको सारे पासवर्ड दिख जाएंगे जितने भी आपने सेव किए होते हैं। एक और तरीका मैं और बता देता हूँ, जो मेन तरीका है, जो इसका यूज़ सभी बच्चे कर सकते हैं। देखिए, इस स्टूडेंट पोर्टल पे आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आना है, इफ़ यू फॉरगेट पासवर्ड क्लिक हियर। तो जब आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और आप ये मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई कंप्यूटर जाने की ज़रूरत नहीं है, साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दो टाइप मिलते हैं। देखिए, सर्च बाय अदर डिटेल, जिसके पास ना आईडी है ना पासवर्ड है, लेकिन ये चलेगा सिर्फ उन्हीं का जिनका नया रजिस्ट्रेशन है, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं या सेकेंड ईयर वाले हैं, फाइनल ईयर वालों का इससे नहीं हो रहा है। तो देखिए, प्लीज़ एंटर 10th रोल नंबर, तो आपको यहाँ पे 10th रोल नंबर डाल देना है जो भी है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर 10th सीरियल नंबर, तो 10th का सीरियल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा जैसा होता है। जैसे आपका ये 10th सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सबसे पहले सीरियल नंबर दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस टाइप का आपका 10th का सीरियल नंबर होता है। तो ये आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है, या तो आप इसको मैन्युअली भी यहाँ पे भर सकते हो। तो गेट पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको नीचे पासवर्ड दिखाई देगा। एक और तरीका मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सर्च बाय स्टूडेंट आईडी, तो आपके पास अगर आपकी आईडी है, आपने कभी आरएमई फॉर्म भरा है, या फिर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है, तो उसमें आपको आपकी आईडी देखने को मिल जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पे आईडी डालता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ गेट पासवर्ड, तो देखिए गेट पासवर्ड करते ही यहाँ पे आपके पास जो पासवर्ड ये सजेस्ट कर देगा। तो देखिए, मैंने गेट पासवर्ड किया, वेट करने को कहा इसने, और यहाँ पे नीचे जो आ गया है कि आपका ये पासवर्ड है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से ग्रीन पट्टी में आपका आएगा कि ये आपका नाम है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका पासवर्ड है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं कॉपी पेन में लेके लिख लीजिए, तो आपको ये सहूलियत रहेगी कि आप हमेशा इसको भूलोगे नहीं और कहीं आपके पास सेव रहेगा। अदरवाइज़ आप इसको गूगल के जो पासवर्ड मैनेजर है उसमें भी सेव कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको पासवर्ड मैंने 4 तरीकों से रिकवर करना बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक जरूर।